तेरा? लाइट तो नहीं है। मैंने ठीक है। क्या है पूरी डिटेल्स की? थाना रामगांव के नरहनगौड़ा गांव से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि एक बाहर का व्यक्ति जो पिछले 1.5-2 महीने से इस गांव में रह रहा है और धार्मिक गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना से संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक नायाब अहमद नाम का व्यक्ति जो कि यहां का मूल निवासी नहीं है, पिछले 1.5 महीने से यहां पर रहकर अपना इलाज करा रहा है और उसके द्वारा एक मदरसा चलाने के लिए एक सोसाइटी भी रजिस्टर करवाई गई है। इसके बारे में जब और जानकारी पूर्णतः पता की गई तो ये बात सामने आई कि इसके पास कूट रचित दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें एक आधार कार्ड जो कि एक हिंदू नाम से है, 2 इसके पास मार्कशीट हैं इंटर की जो एक बांदा से और एक जनपद बहराइच से बनाई हुई है। इसी के आधार पर इसके द्वारा वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया गया था। वह जो सोसाइटी इसके द्वारा रजिस्टर कराई गई है फैजाबाद में, वो भी इन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई थी। गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बात सामने आई है कि इसका असली नाम राजू मौर्या है और ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। 2016 में इसके ऊपर बलात्कार, पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। इसी के आधार पर इसके साथी के साथ इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल से बेल पे छूटने के बाद ये अपने गांव में जाने की बजाय बंबई चला गया था। वहां पे कुछ लोगों के संपर्क में आया, उसी संपर्क में आने के बाद इलाज कराने के बहाने बहराइच के एक व्यक्ति से इसकी दोस्ती हुई, उसी के माध्यम से ये बहराइच आया और यहाँ अपना नाम चेंज करके रह रहा था। फर्जी इसने आईडी बनाई थी और उसी आईडी के आधार पर समिति बना के ये चंदा इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में इसके ऊपर 420/67 का मुकदमा वादी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया है। इसको अरेस्ट किया गया है। इसके पास से सभी जो कूट रचित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो गतिविधियाँ पिछले कुछ सालों में रही है उस संबंध में टीमें बनाई गई हैं, उस गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी। सर्वलांस के माध्यम से भी इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी और किस प्रकार से इसके द्वारा कूट रचित डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में भी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों के द्वारा इसमें और खुलासे किए जाएंगे। अभी